ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हेनरी फ्यूल के बारे में बताए थे, जिनमें जिनको प्रबंध का पिता यानी फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। उनका ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, तो स्वाभाविक है ये दो लेसन में होगा। तो आइए इसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आपको बताते हैं, जिनको वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जाना जाता है। तो हर चैप्टर में मैं कुछ क्वेश्चन वैसा देता हूँ जहाँ बोर्ड में लड़े पूछे, तो इस एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, वैज्ञानिक प्रबंध का शुरुआत कब हुआ था, बताइए वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत कब हुई थी, ये ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। दूसरा है कि टेलर ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जैसे क्वेश्चन देखिएगा हेनरी फ्यूल ने कितने दिए, तो हेनरी फ्यूल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए थे, 14 सिद्धांत दिए थे, और एफ डब्ल्यू टेलर ने 6 सिद्धांत दिए थे। ऑब्जेक्टिव छाट लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, टेलर 6 फ्यूल 14। अब है, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रारंभ कब हुआ था, 1913 में, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप याद करेंगे, हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के पिता कौन है, लिख लीजिए हेनरी फ्यूल। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, तो उसके आंसर होंगे एफ डब्ल्यू टेलर। नहीं, एफ डब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक प्रबंध का पिता माना जाता है, इन्होंने टोटल 6 प्रिंसिपल्स दिए थे। जिस तरह से हम एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में बताया, हेनरी फ्यूल के बारे में बताया था आपको, आइए एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में भी जानकारी दिखे। टेलर साहब का जन्म 1856 में हुआ था, कब हुआ था, 1856 में हुआ था, बहुत प्यारा जगह हुआ था, इसका नाम फिलाडेल्फिया, क्या है, फिलाडेल्फिया, 1956 में हुआ था, फिलाडेल्फिया में हुआ था। उनका जन्म हुआ था हेनरी फ्यूल साहब का 1841 में, 1841 में। यहाँ दोनों इसलिए बता रहे हैं कि बच्चा गड़बड़ कहीं कर लेता है, हेनरी फ्यूल 1841, एफ डब्ल्यू टेलर 1856, सिपाही विद्रोह के समय ना, ठीक है। कहाँ हुआ था, फिलाडेल्फिया में हुआ था। अगर फिलाडेल्फिया नहीं रहे तो विकल्प में खोजिएगा यूएसए, यूएसए मारिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सन 1878 में उन्होंने अमेरिका के मिडवेल स्टील वर्क्स में एक प्रशिक्षार्थी मैकेनिकल के रूप में, माने वो ट्रेनिंग ले रहे थे, काम शुरू किए थे, कहाँ शुरू किए थे, मिडवेल स्टील वर्कर्स में, है ना। और वो मेहनती थे, मेहनती का विकास धीरे धीरे होता ही है, जो लेबोरियस होता है वो आगे की ओर बढ़ता ही है। उनको मेहनत को देखते हुए 1884 में उसमें चीफ इंजीनियर बना दिया गया, 1884 क्या बन गए, चीफ इंजीनियर बन गए। 1891, चलिए अंगूठा राज पर हम बात कर रहे थे, अंगूठा राज का मतलब हुआ कि परंपरागत तरीका पर जो पहले से काम चलता आ रहा है, जो काम की जो पुरानी पद्धति थी उसको अपनाना। तो क्या कि इन्होंने एफ डब्ल्यू टेलर महोदय उसको किरारा किया, कहा कि नहीं, हम जो काम करेंगे वो एनालिसिस के आधार पर होगा, विश्लेषण के आधार पर होगा, मेरे साइंस और विज्ञान के आधार पर होगा। वो पुराना जो ट्रेडिशन चलता है उस काम को उन्होंने हटाया, और उस इसको करने से क्या हो गया, जो विज्ञान आधारित काम हुआ, साइंस बेस्ड वर्क हुआ, ऐसे प्रोडक्शन की मात्रा पहले से ज़्यादा बढ़ी। नंबर दो में था मैत्री नक की मतभेद, देखिए वैज्ञानिक प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि इसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली असंगतियों तथा मेल न खाने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को समाप्त करके उन्होंने अनुकूल बनाया। वाह, मशीन, देखिए यहाँ पर मैत्रीपूर्ण मतभेद, ये सब शब्द जो है इसका यह मत नहीं समझिएगा कि कर्मचारी को कर्मचारी से झगड़ा, ऐसी बातें नहीं। यहाँ पे क्या किया गया कि पहले कोई पुरानी मशीन चल रही है उसी में दो नई मशीन है, ये सब चीज़ को उन्होंने कहा कि नहीं ये हटाओ, क्या नहीं तो पुराना मशीन है तो पूरा मशीन पुराना होगा, या नई मशीन है तो पूरी मशीन नहीं होगी, यानी वो जो मैकेनिकल चीज था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं एक रूपता लो, सिमिलरिटी रहेगा तब जाकर प्रोडक्शन एक तरह का होगा। यहाँ पर ऐसा मैत्री न की मतभेद जो है, मैंने हारमोनी नॉट डिस्कर्ड, कभी ऐसा नहीं समझिएगा कि इससे आदमी को कार्य में बाधा आदमी डालता था, ऐसे नहीं, मशीनरी के कारण होने वाले प्रॉब्लम्स को इसमें हम लोग स्टडी किए थे ताकि काम में एक रूपता हो। याद रखिए, अच्छा मशीन ही चाहे वो निम्न कोटि का हो या हाई क्वालिटी का हो, अच्छा प्रोडक्शन को करता है, और जब अच्छा प्रोडक्शन होगा तो अच्छा उसका परिणाम भी होगा। नंबर तीन इनका जो पॉइंट था, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन न तो इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म में कहता है कि व्यक्तिवाद नहीं बल्कि सहयोग होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत यह है कि
इसके अंतर्गत व्यक्तिवाद के स्थान पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहन किया गया है। यानी याद रखिएगा, मानसिक क्रांति जहाँ पर सहयोग की भावना होगी वह मैं शब्द नहीं हम शब्द का यूज होता है, हमने सफलता अर्जित की। तो यहाँ पर यह सहयोग न केवल कर्मचारियों में आपस में ही बल्कि कर्मचारी और मालिकों में भी, होटल के कर्मचारी और मालिक के मध्य सहयोग स्थापित करने के लिए मानसिक क्रांति की आवश्यकता पर बल देता है। मानसिक क्रांति अब समझ में आया। टेलर श्रम और पूंजी, देखिए श्रम कौन देता है, लेबर देता है, कैपिटल कौन देता है, मालिक देता है, ओनर देता है उसका। अगर कैपिटल लगाने वाला और लेबर दोनों मैत्रीपूर्ण आपस में व्यवहारिकता से काम करे, मिल के काम करे, तो प्रोडक्शन काफी आगे जाएगा और कभी भी कार्य बंद नहीं होंगे। आए दिन क्या होता है, लेबर यूनियन से होते हैं हल्ला करते हैं कि मेरी मांगे पूरी करो, और वो काम को बंद करा देते हैं। जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, कोऑपरेशन की भावना होगी, इंडिविजुअल्स नहीं होगा, कोई सुपरमेसी का नहीं होगी, तो वहाँ पे ज्यादा पड़ेगा। यहाँ पे कोऑपरेशन करने का यह मतलब नहीं समझिएगा कि जो निम्न कोटि का मजदूर था या स्टाफ है या काम, उसको सिलेक्शन कर लेता है। सिलेक्शन की प्रक्रिया उसमें और तरह है, ये सिलेक्शन की बाद की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। ये लिमिटेड प्रोडक्शन को नहीं मानते थे, कहते थे प्रोडक्शन हाई कीजिए, ताकि हाई प्रोडक्शन करने के साथ बड़ा फायदा क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्शन लोकल मार्केट में बिकता था, अपने कंट्री में बिकता था, आप उससे बाहर इंटरनेशनल मार्केट में आ गए, जिसका आज प्रयोग पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे ज्यादा करता है। देखते हैं चाइना का इतना प्रोडक्शन है कि जिस कंट्री को चाहता है ना, इकोनॉमिक वार से पछाड़ देता है। कारण क्या है, वो इतना प्रोडक्शन करके किसी कंट्री को दे देता है। अपने इंडिया को देखिए, बैन करने के बाद जो टॉर्च था सब था बंद करा दिया चाइना, क्योंकि वो सस्ती सामान दे दिया, यही तो क्रांति ला दिया था, वो इंडिया को भी लाना चाहिए। तो क्या होता है, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिक उत्पादन। वो क्या था, उनका कहना था कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा और प्रोडक्शन की मात्रा जब ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा मार्केटिंग ज्यादा होगा, प्रॉफिट अगर कम भी रखेंगे पर यूनिट तो ज्यादा कमाई होगी और कंपनी आगे बढ़ेगी। चलिए अब पांचवा पढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं समानता तक विकास, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हाई ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रोस्पेरिटी। वैज्ञानिक प्रबंध के में प्रत्येक श्रमिक को उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक पहुँचाने का भरसक प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से जो भी काम करने वाले हैं उनको वैज्ञानिक प्रबंध के आधार पर काम किया जाता है और उनको श्रम विभाजन के आधार पर उनको काम का बंटवारा किया जाता है, और उसमें जो उपयुक्तता होती है प्रेरणात्मक मजदूरी और पारिश्रमिक दी जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध में इन्होंने क्या कहा कि लोगों को पदोन्नति का अवसर दो, जो प्रमोशन का अवसर दो वैज्ञानिक प्रबंध में, और इन्होंने कहा कि उसको जो काम डिविजुएबल करके दे दीजिए, जिस काम को करने में ज्यादा मन लगता है उस पर काम में दीजिए, मनुष्य थकता है तो उसका स्टडी कीजिए, और थकान अध्ययन भी इसके लिए उन्होंने लाया था। लास्ट 6 नंबर है, नियोजन की तथर्थवाद प्लानिंग नॉट अधोसिम अधोसिम। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतिम सिद्धांत के अनुसार इसके अंतर्गत कार्य मनमाने ढंग से न करके निश्चित योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। कहता है काम का जो रूल्स है, जो पैटर्न होगा, उसी के आधार पर काम को करना चाहिए। तो आइए हम फिर से रिपीट कर दें, वैज्ञानिक प्रबंध के मार्ग 6 उदाहरण है, 6 पॉइंट्स बताए गए, इनका पॉइंट देने वाला एफडब्ल्यू टेलर है। इस प्रकार है, विज्ञान न कि अंखा राज, मैत्री न कि मतभेद, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं संपन्नता के तहत विकास, अनियोजन की तथर्थवाद। 6 हो गया। आइए अब आपके नेक्स्ट पॉइंट से अवगत कराते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता अथवा लक्षण, ये बहुत जाना चाहिए। अगर कोई आदमी या कोई फर्म या कोई चीज में कोई विशेषता होता है तभी कोई जाकर कोई उसे एक्सेप्ट करता है, और विशेषता नहीं होगी तो कोई उसको क्यों एक्सेप्ट करेगा। पहला विशेषता है कि इसका एक निश्चित योजना होता है, डेफिनेट प्लान होता है। वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे प्रमुख एवं लक्षण, प्रधान लक्षण यह है कि प्रत्येक कार्य को आरंभ करने से पूर्व एक निश्चित योजना तैयार किया जाता है और सारा कार्य उसी योजना के अनुरूप किया जाता है, ठीक है। नंबर 2, वैज्ञानिक प्रबंध की विश्लेषण में कहता है किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व कुशल प्रबंधक कुशल प्रबंधक उसके विभिन्न अंगों का वैज्ञानिक प्रबंधन करता है। इसके लिए याद रखिएगा, टेलर ने कहा था कि वैज्ञानिक प्रबंध का 75% विश्लेषण होता है और 25% सामान्य बुद्धि होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या रहता है,
आपको बताते हैं, एक मिनट का समय लेते हैं। कहता है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण कितना परसेंट है, एंड एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो विश्लेषण कितना होगा 75%, 75%, और सामान्य बुद्धि कितना होता है 25%। एंड सामान्य बुद्धि सामान्य व्यक्ति लगा लेगा, परंतु एनालिसिस जो थॉट है वो सामान्य व्यक्ति नहीं लगा सकता। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से छाट देना है, नियमों का समूह, सेट ऑफ द रूल्स, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने में यह नियमों का समूह होता है, उस नियम को मानना पड़ता है। सामयिक अध्ययन टाइम स्टडीज में होता है। टाइम स्टडी का मतलब होता है कि गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, कार्य से कहता है, मतलब कौन आदमी एक घंटे में एक कलम बना 60 कलम बनाता है, दूसरा आदमी एक घंटे में कितना पेन बना सकता है। तो इससे मतलब टाइम के साथ साथ आदमी को जो मोशन स्टडी होता है वो भी हो जाता है। टायर्डनेस, एक तरह काम करने में या भर दिन काम करने में लोग थकता भी है, तो उसके लिए भी कंपनी व्यवस्था करता है, सोने का व्यवस्था देता है, पार्टी देता है, उसको खिलाता उलाता है वगैरह। तो थकान अध्ययन पर भी काम करता है, टाइम स्टडी भी करता है, मोशन स्टडी भी करता है वगैरह। कार्य क्षमता में वृद्धि, मितवैता के साथ साथ शरीरों की कार्य क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है। नहीं, मितवैता का मतलब तो कम खर्च तो चाहता है, इसका मतलब नहीं कोई लेबर के वर्क को नजरअंदाज करता है, ऐसा बात नहीं है। वो लेबर को लेकर चलता है और उसकी कार्य क्षमता का हनन नहीं करता है, उनके कामों का उचित जो रेमुनेशन होना चाहिए, पारिश्रमिक होना चाहिए, वो जरूर देते हैं। परंपरागत प्रबंध की प्रबंध का विरोधी है, वैज्ञानिक प्रबंध परंपरागत प्रबंध का कटु विरोधी है, उसके स्थान पर नई पद्धति को लागू करता है और यह मानसिक क्रांति पर बल देता है। नहीं, इस पर बल देता है, मानसिक क्रांति पर बल देता है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे कि फ्यूल और टेलर के प्रबंध में क्या अंतर है। क्या लिखेंगे, व्हाट डिफरेंस बिटवीन थ्योरी ऑफ टेलर एंड फ्यूल्स। देखिए, जैसे कि हम बता दें क्वेश्चन में, कार्य मूल्यांकन में हेनरी फ्यूल कहते हैं कि फ्यूल स्वयं प्रबंधक थे, अतः उन्होंने प्रबंध को भी की व्यवस्था को तर्कपूर्ण ढंग पर सुधारने का प्रयत्न किया है, और टेलर स्वयं श्रमिक भी रहे हैं। जो श्रमिक से ऊपर जाएगा, लेबर क्वालिटी फोरमैन से ज्वाइन करेगा और कंपनी के डायरेक्टर तक जाएगा, सोचिए कितना बड़ा कठिन काम है और इस काम को कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं, मगर आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लिखा देते हैं ताकि आप लिख सकते हैं। चलिए राइट नाउ अपना कॉपी निकालिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब इस चैप्टर का लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आशय है, वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभी बताएं ना, व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इट मेन करेक्टरिस्टिक्स या फीचर। व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स ब्रीफ इट्स मेन करेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन दूसरा देखिए, समय तथा गति अध्ययन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और दोनों में अंतर कीजिए। अभी बताएं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी एंड डिफरेंट देम। आगे, टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है, कहा जाता है, और हेनरी फ्यूल को सिद्धांत का। ये क्वेश्चन पढ़िएगा, लिखिएगा नहीं, ये पूछेगा नहीं। एक क्वेश्चन पढ़िएगा कि टेलर और फ्यूल का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसमें क्या अंतर है और क्या समानता है। अब आइए आगे बता दिया आपको, सीबीएसई क्वेश्चन बराबर पूछता है, प्रबंध के सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए। चैप्टर पहले बार में मैंने बताया था क्वेश्चन, स्टेट द इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा, ये भी सीबीएसई पूछता है, वैज्ञानिक प्रबंध की एक तकनीकी के रूप में कार्यात्मक फोरमैन को एक चित्र द्वारा साथ, माने फोरमैन का जो स्थिति है ना, कहता है व्हाट हेल्प इन द ड्रीम प्लान, ड्रीम प्लान करना किसके संदर्भ में, फोरमैन के संदर्भ में। एक क्वेश्चन और पूछता है, प्रबंधन के निर्देशन के कार्यों के महत्व का वर्णन कीजिए, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन फंक्शन, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह सीबीएसई में पूछा क्वेश्चन 2014 और 15 में, कंपार्टमेंटल एंड एनुअल है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गए, एक सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन पूछा था, देखिएगा ये क्वेश्चन इस बार आपको नहीं पूछेगा। तो ये सब क्वेश्चन कुछ सिद्धांत के बारे में बना लीजिएगा, मशीन औजार वगैरह क्या क्या है लिख लेंगे, और जाते जाते आपके क्वेश्चन छोड़ जाते हैं और इसका आंसर आपको हमको यूट्यूब में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हुआ। जैसे हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था,
जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, आपको बताना है कहाँ इनका जन्म हुआ था। दूसरा है एफ डब्ल्यू टेलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है, यूएसए में, इंडिया में, जापान में, चाइना में। हमने फिलाडेल्फिया जानबूझ के नहीं बोला है, तो आपको कंट्री का नाम बताना है। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होता है, हिस्सा क्वेश्चन बताना है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट आर इंक्रीज, रिड्यूस, नो इफेक्ट, नन ऑफ दिस, वृद्धि, कमी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यह देख लेना है और आगे जल्द आपको दूसरा वीडियो हम देंगे। थैंक यू।